राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शमसुल हसन बल्ली ने आरिफ मसूद के संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। मामला ये है कि 2018 से आदरणीय विधायक जी की 17 से गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां थी, जिसको लेके मैंने एक पत्र देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा था, देश के गृह मंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को, तमाम लोगों को लिखा था। क्योंकि मिल्ली काउंसिल का एक इकबाल मैदान का प्रोग्राम था, क्योंकि तमाम मीडिया ने उस दौर में रिलीज किया था। जिला प्रशासन की मौजूदगी में जब उन देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, कांग्रेस के जो आज विधायक हैं मध्य विधानसभा के आरिफ मसूद जी, उनके द्वारा अपशब्दों का और देश के विभिन्न कोनों से मिल्ली काउंसिल के आए हुए विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त लोगों ने, मौलानाओं ने अशब्द कहे थे, उसकी मैंने शिकायत की थी। शिकायत के बाद 6 साल बाद मुझे थाना शाहजहाँबाद द्वारा बयान के लिए बुलाया गया था। बयान ना लेते हुए मुझे टाल दिया गया। उसके बाद मेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पे कुछ आरोप मीडिया के माध्यम से जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो आरोप मैंने उन पे लगाए थे। उसको लेके 6 साल की जांच में मुझे उनको कोई ना तो कभी बयान के लिए बुलाया, ना उनके खिलाफ प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई की, नहीं की। लेकिन मैंने एक शब्द बोला जो सच्चाई थी, जो मैंने आप लोगों के लिए इस लैपटॉप के माध्यम से दिखाऊंगा आपको। मेरे बोलने पे एक दिन में माननीय DCP महोदय द्वारा मुझे नोटिस दे दिया जाता है कि आपने हेट स्पीच दी। मेरी हेट स्पीच जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को दिख गई, जिसने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, देश के चुने हुए गृह मंत्री को, और देश की एकता अखंडता को, मध्य प्रदेश की एकता अखंडता को, और हमारी गंगा जमुना तहजीब को खंडित करने वाले का नहीं दिखा। ये जो अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा है, हमारी वैसे लड़ाई कांग्रेस को अपने आप समझ जाना चाहिए, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं या विधायक है या कोई भी है। हम माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह के अनुयायी हैं, जो हमेशा ऐसे ताकतों से लड़े हैं, जो इसमें जो इन्होंने दर्शाया है कि ये मिली काउंसलिंग PFI या सिमी के सदस्य हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश की और केंद्र की दोनों की जिम्मेदारी है। जो इस देश को विखंडन करने की सोचते हैं, जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये सरकार क्या करना चाहती है? हमारे प्रवक्ता जी के एक शब्द बोलने से अवहेलना होती है, और देश के जो ऐसे लोग हैं जो आज असेंबली में बैठते हैं, ये बहुत ही सरकार के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदारान काम है, जिन पर इतनी FIR दर्ज है, इतने केस लगे हुए हैं। यहाँ सिर्फ एक बोलचाल की भाषा में पुलिस जेल में डाल देती है, क्योंकि पुलिस प्रणाली है। इसलिए हमारे प्रवक्ता जी को 2 घंटे में नोटिस दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। इस देश से 45 साल राज्य करने वाली सरकार को नेताजी मुलायम सिंह ने जमीन में कर दिया है UP, और कभी सत्ता पर देश की नहीं पहुंच सकती है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए उनको समझ जाना चाहिए। यदि यार नहीं समझते हैं तो फिर आगंदा आप देखेंगे इसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या दुर्गत करेगी समाजवादी पार्टी, कि आप नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये उनकी भूल है। वो चाहते हैं कि हम नूरा कुश्ती खेलें। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कभी नहीं हो सकता। जो हमारी लड़ाई अब हमको तराश कर जो हीरा देके माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र देके गए हैं, वो हमारा भारत का हीरा है। माननीय अखिलेश यादव जी उनके नेतृत्व में भारत की जो लाल टोपी देख रहे हैं,